अच्छा अच्छा तो दगड़ियों कैसे हो? बढ़िया ना? तो आपका निजी भाई बढ़िया है, राशि बढ़िया है, हम सब बढ़िया है। तो राशि बताइए आज क्या हो रहा है? आज हम बनाएंगे फूड ब्लॉग और जो कि है मच्छी और भात। मच्छी और भात बनाने जा रहे हैं हम लोग। और मच्छी आई है सीधा नदी से, जो हमारे हल लगाते हैं ना चंकी भाई, वो लेकर के आए हैं। तो वो जाल लगाते रहते हैं ना, मछुआरे हैं वो मछुआरे। तो हमने सोचा कि आपको ये ब्लॉग बना के दिखाते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं मच्छी। और हमारे पास ना बहुत एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, जो स्पेशली सिंपली बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बनाएंगे वैसे ही बनता है। तो आप और भी यूट्यूब में देख सकते हो, हम तो बहुत सिंपल बनाने वाले हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल। मच्छी जो मतलब कि जो मच्छी तुम्हारी सास को लगती है अच्छी और मेरी मम्मी को भी लगती है अच्छी। अच्छा। और जो मच्छी मतलब ये हम नदी से लाते हैं ना, उसमें ना ज्यादा कांटे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज हम बना रहे हैं मच्छी भात और ये बिल्कुल नदियों से आई हुई मच्छी है। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है आज? बोलो मच्छी भात। मच्छी भात। ठंडो रे ठंडो गा दो। जिनको काटता अच्छी मच्छी खाना के पापा बहुत अच्छी मच्छी काटता हूँ। मेरी सिस्टर के हस्बैंड लल्ली का जवाई, मेरा जवाई। और मैंने कितने साल से नहीं खाई अभी तक? 2 साल से। हाँ वैसे मैंने ट्राई करी थी परसों ना झींगा मछली। हाँ तो मैंने 2-3 साल से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं मतलब जैसे चिकन ना खाऊँ, ये ना खाऊँ। कंट्रोल इसलिए क्योंकि मेरे डाइजेशन के लिए और बस इसीलिए। ऐसा कुछ मैंने कोई कसम नहीं खाई थी कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने परसों टेस्ट करी थी और अब माँ बना रही है तो आज भी टेस्ट करूंगा 2-3 साल बाद। बाप रे। चलो बनाते हैं। चलो चलो। तो हाँ तो मच्छी भात तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या बनाना है? चावल। यस यस। ये हमारा दूसरा रूम है किचन के सामने, जहाँ आप लोगों को बहुत सारे डिब्बे दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी दालें। तो भात बनाने के लिए हमारे पास कौन से चावल है? 56 भोग। ये देखो ये चावल जो है ये कितने रुपए किलो है? सरबती चावल। मैं भी करूंगा। ढूंढ रहे थे। तो आज मच्छी भात बन रहा है इसीलिए खुश? नहीं रोना ना है। तो यार मच्छी तो डेली काम मिलती है। कल तो हमने मटन खाया, परसों हमने चिकन खाया। आज मच्छी खाया तो खुश की है कौन सा? यू आर प्लेइंग बैट बॉल क्रिकेट। लो लो मैं देता हूँ तुमको बॉल। हाँ लो। अरे क्या बात, क्या चलो लो। ओ तेरी। मैंने तो अभी गैस में बनाना था पर क्या करे, जबरदस्त मजबूरी। हाँ यार कौन बनाए चूल्हे में। तो ये हम इसीलिए लगा रहे हैं ऊपर से ताकि जले ना, मतलब साफ रहे। अरे क्या बात है, दादाजी आ गए। दिखाना अभी दूसरा भी काट रहे। दूसरा भी आज भी। तो अब हम लोग चूल्हे में लगा रहे हैं आग। चूल्हा जगा रहे हैं। हाँ चूल्हा जगा रहे हैं। ये देखो मम्मी फूकनिया जिससे फूकते हैं ना और फिर आग जलती है, आंचे आग पकड़ती है उससे, उसको हम लोग फूकनिया बोलते हैं। तो अभी हम लोग तेल किस लिए रख रहे हैं मम्मी, क्या कर रहे हैं? मच्छी के लिए थोड़ा ही रखूंगी मैं तेल।
अच्छा। आज हम डिफरेंट से बना रहे हैं मच्छी। इधर से हवा जाने के लिए हवा आएगी तो अपना आप जल जाएगी। अच्छा, तो ये मतलब जब इधर से हवा जाती है ना तो आग जलती है, तो इसीलिए मम्मी ने ये वेंटिलेशन बना रखा है। ये प्याज टमाटर तैयार हो रहा है और ये हमारे सिंपल मसाले। मच्छी भात तो बन ही जाएगा। ये देखो, ये हमारा किचन गार्डन। और अब तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हो चुका है, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, मटर हो गए, तो इसका भी मैं ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊँगा बढ़िया से, और मेथी की सब्जी बनाऊँगा मैं अपने हाथों से। दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं इसको नीचे से काटूंगा और इसको पेंट करूंगा, एंटीक पीस बन जाएगा ये, मस्त है ना। ये देखो सासू बहु के होनो ये अख के कन। अच्छा लकड़ी ले उसने बट के ले आना लकड़ी। अच्छा मम्मी बोली लकड़ी लाना, अभी मत डालना सरसों, आ रहा हूँ। ये हमारी लकड़ियाँ, राशि ने अच्छे से तैयार कर दिया है। लहसुन कहाँ है? लहसुन छिल रही हूँ अभी। अच्छा लहसुन दो ही है? लहसुन एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। हाँ हाँ सिलट में पीसेंगे दोस्तों, पता है ना आपको, तो पता है ना आपको, इसको सरसों बोलते हैं इसको। ये देखो मम्मी सरसों डाल रही है और अब है मच्छी तलने की बारी। मत कर, काम फिर फेंक देंगे, तेरे को पता है ना? मैं फेंक दूंगा फिर। जगह दे दे। ये देखो। छुपा दे। ये तो भजिया मच्छी है ना? हाँ। इसको ज़्यादा नहीं तलते हैं। अच्छा। जो बाजार से रहते हैं ना? हाँ। इसको ज़्यादा तलना पड़ता है। अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं तलना? नहीं, ये तो ऐसे। किधर नदी से आई हैं? ये तो अच्छी होती है। इसको तो हम ऐसे कर देंगे फ्राई ना, और जो देसी होती है उसको तो बहुत तलना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल पकौड़ी जैसे बनाने पड़ते हैं। और ये क्योंकि सीधा नदी से आ रखी है तो इतनी ताजी मच्छी है, भजिया मच्छी। मैं तो मैं ऐसे मसाला भी नहीं बनाऊंगी, ऐसे डाल दूंगी। अच्छा अच्छा, इसी तेल का यूज कर लेंगे। हाँ, इसी तेल का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम राई पीसेंगे। अच्छा, तभी मछली में स्वाद आता है। अच्छा, राई मतलब सरसों। ज्यादा भी नहीं पीसना ना, कड़वा होता है। अच्छा अच्छा, और उसके साथ अभी अदरक और लहसुन। क्या बात है, इसको ऐसे देखो। और ये जो लहसुन है, और ये हमारे खेत का है ना? बस ना थोड़ा सा डाल देंगे, ऐसे हो जाएगा। ये लो। यस। और ये है धनिया, इसे हम बाद में डालेंगे। हाँ, जब ये पक जाएगा। अपने ही खेत का है ये, बिल्कुल ताजा ताजा। अभी हमारे खेत में बहुत है धनिया ना। हाँ। बहुत हो रखा है। मिर्ची डाल देंगे हम। मिर्ची डाल देंगे। अच्छा, तो ये मिर्ची डाल दिए। भून गया। और इसमें क्या बन रहा है? कितने में? कितने में? गर्म पानी। गर्म पानी, गर्म पानी रखेंगे तो जल्दी बन जाएगी। अच्छा अच्छा, प्याज, लेकिन मैंने प्याज तो भुना ही नहीं है यार। कोई ना, अच्छा होता है। कोई तो प्याज रखते भी नहीं है। अच्छा, राई पीस के रखते बस। अच्छा अच्छा, भुन तो जाएगी अभी, अभी तो उसमें पानी थोड़ी रखूंगी। अच्छा, ये प्याज भी रख दिया देखो, और ये भी तेल में भुन जाएगा अपने आप। और ये टमाटर, ये मम्मी ने सब कुछ डाल दिया जो पिसा हुआ था ना, जो राई और अदरक और लहसुन का पेस्ट सब डाल दिया। डालेंगे मसाले, हल्दी, 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 और डालेंगे ये
मिर्ची। मम्मी तेज बोल जरा, घरिया मिर्ची। यस, ये जो गांव की हमारी मिर्ची ना, ये येलो कलर की होती है। थोड़ा धनिया, धनिया मसाला, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। और हमारे पास मच्छी मसाला नहीं है, हमारे पास चिकन मसाला है। ये है नमक। नमक कितना डालना है मम्मी? नमक दो चम्मच। क्योंकि स्वाद अनुसार बोलो, क्योंकि हम खाएंगे चावल के साथ। अच्छा अच्छा, ये पड़ गया हमारा गरम मसाला। मम्मी तूने पक्का बना रखी पहले ऐसे तरीके से? हाँ, बना रखे कई बार। ये बहुत आसानी से करना है, ज्यादा हिलाना नहीं है ना। ठीक है, अब गरम पानी बस बोलो। हिलाना नहीं उसको, पहले तो उसमें करछी भी नहीं डालते थे। अच्छा, घर में मच्छी टूट जाती है ना। अच्छा, तो इसको ज्यादा हिलाना नहीं है? नहीं, अब पक जाएगी वो अपना। अच्छा, वो पकाना है उसको। कितनी देर तक? 15-20 मिनट तक। अच्छा, लॉकडाउन में मुझे कह दो, गाँव के बर्तन ऐसे रहते हैं, जो बाहर बनता है तो खाना बाहर बनाते हैं। अच्छा, पर हम गैस में बनाते हैं। और हमने वीडियो के लिए बनाया है। क्या बोल रही? क्या बोल रही दोबारा बोल। तो ये समय बाहर में नहीं बनाती, समय चूल्हे में। अच्छा, बनाती क्यों इसमें? तो आज क्यों बनाया चूल्हे? मेरी जिद्दू से बनाई मैंने, चूल्हे में बना। मैं तो धनिया माँ, अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे चक्कू धोया नहीं, तो उनको कुछ बोलना चाहोगी? धोया नहीं है, ऐसा होता है काला। अगर कोई बोलेगा धनिया धोया नहीं, तो उनको कुछ बोलना चाहोगी? कल धोया। 3 बार धो दिया हमने कल। अपने लिए तो सभी साफ खाएंगे, साफ बनाएंगे और साफ रखेंगे। हाँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। अपने अपने ख्याल अपना आप करो। हाँ, अपने साफ सफाई रखो। बस तो यही पसंद है बस। हाँ, अपने बाहर, अपने किचन का। हाँ, अपना चारपाई का। हाँ, अपने बिस्तर का। हाँ, ध्यान रखना बस। हाँ, और अपने आसपास सफाई रखना। यस, सफाई सबसे बड़ी चीज है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊं। ठीक है, और रुद्रांक आ गया है और देवांशी भी धूप सेक रही है मस्त तरीके से। चलो देवांशी से कुछ बातें करते हैं। देवू उसके हाथ देखो ना प्यारे, पापा का हाथ पकड़ लिया, पापा का हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं, देवांशी कह रही है। हाँ मेरा बाबू। मूली कहाँ है? घर है मूली। चलो अब मैं खेत में जा रहा हूँ अपना किचन गार्डन, तो वहां से मैं मूली लेकर के आ रहा हूँ। तो एक तो ये भी है, एक वो भी लाऊं? कौन सा लाना? ये देखो मुझ पे भैया इतना विश्वास नहीं है, ये पीछे पीछे आ गए भैया। क्यों, कौन सी मूली लानी है? क्या बात है। अब इसके बारे में पहले बताओ यार। देखो पहले इसको ऐसे काटूंगी मैं। ऐसे। देखो खराब होगा तो देखो अंदर पता है ना इसका। अच्छा है। क्या कर रहा है? कपड़े धो रहे हो?
बाप रे, ओ बाप रे, सगोरा न्यार सगोरा, क्या बात है। दोदी ये क्या कर रही मेरी मम्मी ने सैलेड, और इसके ऊपर अभी हम मसाला रखेंगे। धीमी आंच में बन रहा था ना। तो ये मच्छी भी बन चुकी है, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखो हमने आग भी बुझा दी है। अंदर ले जाएंगे, अच्छा अंदर खाएंगे। रुद्रांश क्या खा रहे हो आप? दाल भात। गुस्सा क्यों होते हो यार तुम? रुद्रांश तुझे क्या चाहिए? तू नहीं खाएगा मच्छी भात? मैं तो नहीं खा रहा हूँ। पापा कैसे बनाओ? बढ़िया मच्छी सब्जी भी दो। ये बंद गोभी की सब्जी भी है, देखो भात नाश्ते के। काटे हैं उसमें हाँ? सलाद में डालो। ये देखो ये मोबाइल के लिए हो रहा है। नहीं ये मोबाइल भी दूंगी मुझको हाँ, खाना खा के दूंगी हाँ। ये मोबाइल सॉरी 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 बस बस ठीक सॉरी बोल दिया ना। मेरा ठंडा हो गया ना? अच्छा नहीं ठंडा कर दिया। और ये देखो हमारा सलाद रागी, इसमें लून डालें? लून नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। और ये रहा बढ़िया 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 होती है, लेकिन वो भी तो कैसा है? बढ़िया बढ़िया। कैसा बना रहा है जरा बताना? बहुत अच्छा। मैंने बनाया, मम्मी ने बना रखा। बोलो पापा ने खाना खा लिया? बोलो पापा ने खाना खा लिया। खा लिया? और दादी ने? दादी ने। मम्मी ने? दादी वो अच्छा चलो दिखाओ दादी। बोलो हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? बोलो हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा हेलो, ये मेरे किंडर आया है। हम लोगों ने खा लिया है मच्छी भात और बहुत अच्छा बना था, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। क्यों राशि? हाँ। यस। और रुद्रांश तुम्हें कैसा लगा मच्छी भात? अच्छी। और सबको अपना डब्ल्यू बोल दो, किसी भी कर दो डब्ल्यू किसी किसी। राशि तुम बताओ कैसा लगा तुमको ब्लॉग? मुझे तो मस्त लगा, कैमरा बहुत हिल रहा था ना आज। हाँ यार, लेकिन वो भारी था ना कैमरा। हाँ आज हमने दूसरे कैमरे से बनाया था ना, बहुत हिल रहा था। तो आई होप आपको फिर भी अच्छा लगा होगा ब्लॉग। और जल्दी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? देहरादून 27 फरवरी को हम देहरादून में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरी कजन सिस्टर की शादी है। यस। मैं राशि, देवांशी और रुद्रांश,
रुद्रांश क्यों? मौसी की शादी है। बोला दादाजी के साथ रहूंगा। और हमने रुद्रांश की दादी को ही बोला, मतलब मम्मी को ही बोला आने के लिए देहरादून, पर मम्मी बिल्कुल मना कर रही है। मम्मी को जाना है अपनी दीदी के घर, मतलब मेरी जेठी, ठीक है, तो वहां जाना है। तो मम्मी मंगरू गांव जाएगी, मंगरू की है मेरी जेठी, मंगरू गांव, गांव का नाम है मंगरू। So, जो बंगार के सामने है। यार बंगार गांव के सामने है वो, पौड़ी गढ़वाल में। सो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, फिर तो बाय करो, फिर तो बाय करो। बाय कैसा लगा?